नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी है 60,000, उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन को जॉब मिलने जा रही है। आप अभी से प्रिपेयर हो जाए फिजिकल के लिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगी वो अनएक्सपेक्टेड होगी। और वो अनएक्सपेक्टेड ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो वज्र का काम करेगा, आपके लिए वो एकदम से फूल का काम करेगा, या आप कह सकते हैं आपके जो अरमान है उस पे फूल बरसाए जाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ इसको डिटेल में। सबसे पहले जो कट ऑफ की बात है, कट ऑफ कोई कह रहा है कि 70 जाएगा, कोई कह रहा है 75 जाएगा, कोई कह रहा है 62 जाएगा, कोई 65 कह रहा है। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी कट ऑफ निकलती है। ऐसे नहीं कि आपने क्या बना के चलाया उस पर कट ऑफ डिपेंड करती है। कट ऑफ बहुत चीज़ों पर डिपेंड करेगी इस बार। इसका एक हिंट मैं बताता हूँ कि कैसे कट ऑफ नीचे जाने वाली है। एएलपी टेक्नीशियन का जो सेकेंड बार रिवाइज रिजल्ट दिया गया, आपने देखा होगा कि कितना बच्चों को फिर से लिया गया। उसके पीछे का क्या रीज़न है, आपने सोचा क्यों ऐसा किया गया? उनको पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें जो सेलेक्ट हुए हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, एएलपी टेक्नीशियन को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों छोड़ के चले जाएंगे? क्योंकि ऐसा अभी का इन्वायरमेंट चल रहा है, क्योंकि उनको मजबूरी हो जाएगी नौकरी छोड़ना। आपने देखा होगा इस साल पूरे तकरीबन साल में तकरीबन 20 से 25 हज़ार आपके बैंक के वैकेंसी निकले। तो 20 से 25 हज़ार जो बैंक के वैकेंसी निकले, और वही बंदा यहाँ पे दिया एएलपी टेक्नीशियन में भी, ऐसे तो 15-20 हज़ार उसमें से छट गए होंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बंदे होते हैं हर जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। और ऐसा आजकल का जो रेलवे का पैटर्न है उसमें जो एसएससी के बच्चे हैं या बैंकिंग के बच्चे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ने जा रही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जीके पूछा जाता था तब उनको फर्क पड़ती थी रेलवे के एग्जाम देने में, लेकिन अब उन्हीं का जो पढ़ा हुआ चीज़ है पूछा जा रहा है तो उनको फर्क नहीं पड़ती है, यानी कि वो इसमें भी सेलेक्ट हो रहे हैं। ये सभी फैक्टर को वो इंक्लूड करके रेलवे ने फिर से जो अपना कट ऑफ था वो नीचे लेके गया और बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट किया। तो समझिए कि एएलपी टेक्नीशियन थोड़ा हाई ग्रेड का जॉब है ग्रुप डी की अपेक्षा। उसमें ये फैक्टर इंक्लूड किया गया कि बहुत सारे बच्चे छोड़ सकते हैं। तो आप समझिए ग्रुप डी में तो और भी बच्चे छोड़ेंगे। आप देखे होंगे कि 70,000 वैकेंसी निकली हुई है यूपी का जो टीचर का है उसमें निकली हुई है, वहाँ के जो कांस्टेबल है वहाँ में निकली हुई है, जीडी में 60,000 निकली हुई है, एएलपी में 60,000 निकली हुई है, और बहुत सारे स्टेट का जो अपना एसएससी है उसमें निकली हुई है। तकरीबन अभी फिलहाल में इंडिया भर में तकरीबन 6 लाख से 7 लाख वैकेंसी घूम रहे हैं। तो आप समझिए एक ही बच्चे का हर जगह होगा, बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे पहले प्रेफरेंस कहाँ पे देते हैं? जो उसका घर के पास नौकरी हो जाए वो देंगे। यानी कि अगर आपका टीचर का हो जाएगा तो क्या आप ग्रुप डी करने जाएंगे? अगर आपका टीचर का हो जाएगा और जाके तिरुवनंतपुरम में आपका एएलपी का हो जाएगा तो पहले आप कौन सा जॉब पकड़ेंगे? अपने घर में टीचर का जॉब पकड़ेंगे? आपको पता है कि टीचर में कितना छुट्टी भी होती है, स्टेट में तो थोड़ा मगजमारी भी चल जाती है, सेंट्रल में तो मगजमारी भी नहीं कर सकते। तो ये सभी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण ये जो कट ऑफ है वो नीचे सियोर जाएगी। मैं गारंटी देता हूं कि इसमें आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ऐसा विश्वास कीजिए। आप सिर्फ फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि जो रिटर्न है वो पक्का होगा। इस बार जो रिजल्ट देगा आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट देगा वो 3 गुना देगा, 3 गुना। अब 3 गुना देगा यानी कि 60,000 वैकेंसी है, 6 या 18 तकरीबन 1,80,000। अब भाई बताइए, आप 1,80,000 में भी नहीं आएंगे, इतना गए गुजरे होंगे क्या? 1 महीना भी अगर आपने पढ़ा होगा, 1 महीना मैं कह रहा हूँ, 1 महीना भी पढ़ा होगा तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ इतना नीचे जाने वाली है। जब 3 गुना देगा तो आप समझिए कि, और अभी का पोल हो रहा है, अभी जो डिफरेंट डिफरेंट चैनल ने पोल किया है उसमें सभी बच्चे ने 80 से 95% बच्चे ने पोलिंग में क्या वोट किया है कि मेरा सर 60 से 70 बना है। ये 60 से 70 अटेम्प्ट किया है, 2-3% क्या किया है 70 से एबव किए हैं और बाकी कुछ इधर किए हैं, यानी कि 60 से नीचे। तो ज़्यादातर बच्चे 60 से 70 अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सही जा रहे हैं, ये अटेम्प्ट का रेंज है। जब अटेम्प्ट इतना किए हैं तो गलत भी होगा। आप एवरेज इसमें घटा दीजिए कि 8 गलत हो गया या 9 गलत हो गया, 9 गलत हो गया, 9 गलत हो गया, 9 माइनस हो गए, और माइनस में माइनस यानी कि 3 पे 1 माइनस यानी 3 नंबर और घट गए, यानी कि 9 प्लस 3 कितना हो गया, ये 12, यानी कि 12 तो माइनस हो जाएंगे इसमें से। अगर एवरेज 65 किसी का सही है तो 12 घट गया तो कितना हो गया, ये हो गया 3 और ये 5, यानी कि 53। आप समझ सकते हैं एवरेज बच्चों का इतना आ रहा है। अब एवरेज बच्चों का इतना आ रहा है यानी कि जो एवरेज हम कट ऑफ कहें तो 50 और 60 के बीच घूमने जा रही है। जो एवरेज है कट ऑफ वो 50 और 60 के बीच घूमेगी। अब देखिए 50 और 60 के बीच घूमेगी, जनरल में ऑब्वियस है थोड़ा हाई रहता है 4-5 मार्क्स, ओबीसी में थोड़ा कम रहता है यानी कि 4-5 मार्क पीछे रहता है, और एस सी एस टी में थोड़ा रेंज बढ़ जाता है, देखिए 42 से 50 के तकरीबन एस सी एस टी का होगा। तो ये तो कट ऑफ की बात आई।
इसके बाद भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ओबीसी में हैं, आपका 50 नहीं आ रहा, 45 आ रहा है, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। आपने सुना होगा कि 2014 का वैकेंसी आज फिल की गई, 2014 में परीक्षा हुआ था, अभी 18 चल रहा है, अभी 18 चल रहा है, अभी बुलाया गया उनको ज्वाइनिंग पे। क्यों बुलाया गया? रेलवे में एक क्या सिस्टम होता है पता है? एसएससी में ऐसा सिस्टम नहीं है, एक बार आपको फेल कर दिया गया तो आप फेल हो गए। लेकिन रेलवे में क्या सिस्टम है, आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा और उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाल दिया जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से खाली होगा, यानी कि सपोज 100 बच्चे का वैकेंसी है तो 100 बच्चे को तो बोलेगा, 100 बच्चे ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर जैसे जैसे खाली हो गया, सपोज पहला साल 80 लड़के रहे, 20 बच्चे निकल के चले गए, दूसरा जॉब पकड़ लिए, 20 खाली हो गया, तो ऊपर से जो मेरी जो वेटिंग लिस्ट बनाया था, अगर 50 बच्चे का वेटिंग लिस्ट में नाम दे दिया था तो यहाँ से 20 बच्चे बुला लेगा। फिर अगला साल सपोज फिर 20 बच्चे निकल गए तो फिर नीचे से 20 बच्चे बुला लेगा। ऐसा सिस्टम रेलवे में है। तो आप समझिए कि अगर 1,80,000 में भी नहीं आता है, फिर भी आपको आपका चांस है कि हो सकता है 1 साल के बाद आपको बुला लिया जाए, 2 साल के बाद बुला लिया जाए। मेरे ही एक दोस्त का ऐसा हुआ है कि 2012 का वैकेंसी था, 2012 में भी ज्वाइनिंग ले लिया, जिन बच्चों का हुआ उनका ज्वाइनिंग ले लिया, और इसका जो रिजल्ट था वो वेटिंग में डाल दिया, और इसका रिजल्ट वेटिंग में डाल दिया और अभी ज्वाइनिंग करने के लिए बुलाया। समझ सकते हैं कितना हो गया, 12 से 18, 6 साल के बाद ज्वाइनिंग के लिए बुलाया। उस जोन में कितना वैकेंसी था, आरआरबी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, उस जोन में तकरीबन 2200 वैकेंसी थे। तो 2200 ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ, 2200 को बुला लिया, उसी साल ज्वाइनिंग करा लिया, और इसका जो रैंक था तकरीबन 3400 था, इसका रैंक 3400 था। तो समझ सकते हैं कितना एवब था रैंक, तो होने की तो उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसा एसएससी में होता तो एकदम से क्लियर है कि नहीं होता, लेकिन 2200 को वो ज्वाइनिंग करा लिया, उसके बाद 3400 इसका रैंक था, तो इसका नंबर आया, इसको बुला लिया। हो सकता है 3400 के बाद भी किसी का नंबर है, उसको भी बुला ले कुछ समय के बाद, ऐसा ही होता है। तो समझिए ग्रुप डी में जो जॉब करते हैं उसमें जल्दी जल्दी खाली हो जाते हैं, कोई ग्रुप डी करना चाहता नहीं। हालांकि ग्रुप डी बुरा नहीं है, मैं तो मानता हूँ बैंक का जो क्लर्क है उससे बढ़िया ग्रुप डी है, क्योंकि सैलरी लगभग एक ही समान है, और बैंक में आप जानते हैं अगर एसबीआई में हो गया तो एकदम से दिमाग खराब कर देगा, इतना पब्लिक होता है। तो एसबीआई में आपको 8 घंटा वहां पे करना ही करना ड्यूटी है। अगर आप ग्रुप डी का कोई ऐसा जॉब पकड़ लेते हैं, गेट मैन का जो जॉब पकड़ लेते हैं, तो आप समझिए कि यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने का। बैंक में आप क्या किताब खोल के बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन ग्रुप डी का अगर जॉब करते हैं तो दूसरे जॉब को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि रेलवे ग्रुप डी इज बेटर देन ए क्लर्क ऑफ बैंक। क्या बेनिफिट है? आपको पढ़ने का समय मिल जाएगा, यही बेनिफिट, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको वहाँ पे काम भी बहुत कम करनी पड़ती है, वहाँ तो 8 घंटा जाएंगे, बैंक में तो एकदम से दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे टोटल 8-9 घंटा में आपको 1 घंटा जॉब करनी होती है, बाकी समय आप बैठे रहिए कुछ भी कीजिए। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर आपका नहीं भी हुआ तो वेटिंग लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में आप समझिए कि 40 नंबर भी लाएंगे तो वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा। तो 40 नंबर तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बंदे का नहीं आएगा। एकदम से आप कहें कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ पिकनिक मनाने के लिए एग्जाम देने चले गए, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने 1 महीना भी पढ़ा होगा तो मैं कंफर्म करता हूं आप फिजिकल की तैयारी करें, आपका रिटर्न हो गया है, आपका रिटर्न पक्का हो गया, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी मार्केट में पड़े हैं, उसके कारण इसका जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसको वैकेंसी पूरी लेनी है, क्योंकि रेलवे को सीट भरनी है। अब वो कैसे भरेगा, वो 10 नंबर वाला से भरे या 20 नंबर वाला लाने से भरे, लेकिन उसको तो भरनी है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप विश्वास कीजिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके नए साल में काफ़ी खुशियाँ लाने वाली होगी। तो धन्यवाद, अगले सेशन में एक और वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।